आप देख रहे हो ये जो स्टेशन मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं अभी सूरत जस्ट पहुँची हूँ। कल 11 फरवरी को मैं करौली दरबार से घर के लिए निकली और आज 12 फरवरी है और आप देख रहे हो अभी मैं सूरत स्टेशन पे पहुँची हूँ। आप देख सकते हो सूरत स्टेशन पे पहुँची हूँ। अभी लगभग 3 बजे तक मैं घर पे पहुँच जाऊँगी, ठीक है। और अचानक मैं घर का कुछ ज़रूरी काम था मुझे, तो मुझे तुरंत निकलना पड़ा और अभी आप देख सकते हो ट्रेन में से ही मैंने ये वीडियो बनाया है। चलती ट्रेन चल रही थी, बाहर से मैंने बनाया है। अभी जस्ट मैं ट्रेन में ही बैठी हूँ। सूरत फिर उसके बाद वापी पहुंच जाऊंगी, फिर वापी से दूसरी ट्रेन करके फिर घर पहुंच के लगभग 3 बजे तक घर पे पहुंच जाऊंगी। फिर वहां पे पहुंच के फिर वापस मैं ट्राई करूंगी कि शाम तक लाइव आ जाऊं आज ही। फिर कुछ ही दिन में वापस घर को भी निकल जाऊंगी, सॉरी करौली सरकार के लिए भी निकल जाऊंगी। देख सकते हो वापी हम पहुंच गए हैं, वापी पहुंच गए और बाहर से मैंने ये वीडियो बनाया है। वापी का हाईवे है, वापी पहुंच गए हम। अब यहां से मुझे दूसरी ट्रेन भी पकड़नी पड़ेगी। हट जाइए, उतरना है। आप देख सकते हो मैं वापिस स्टेशन पे पहुंच गई। अब मैं जा रही हूँ लेडीज डिब्बे में बैठने। ये देखो इस ट्रेन से मैं उतरी, जो सामने खड़ी है अत्योदया एक्सप्रेस, और ये जो है लोकल ट्रेन है। ये लोकल ट्रेन जो है विरार तक चलती है। अब ये पकड़ के मैं मेरे घर उमरगाम जाऊंगी। मुझे लेडीज टिब्बे में बैठना है, अब लेडीज टिब्बा ढूंढने जा रही हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर
अत्योदया एक्सप्रेस कल में 12:10 को कानपुर से पकड़ी थी ट्रेन और आज मैं देखो यहाँ पे 1:30 बजे तक पहुँच गई। ये है लेडीज, अब मैं महिला कंपार्टमेंट में जा रही हूँ। देखो ये अत्योदया एक्सप्रेस जो है वो चली गई और एक लोकल डिब्बा भी खड़ा है। लेडीज कंपार्टमेंट में मैं आ भी गई। अब ये ट्रेन निकलने वाली है 2 बजे, अब वापस स्टेशन से निकलेगी। 3 बजने से पहले मेरे घर पे पहुंच जाऊंगी। वहां पे पहुंचने के बाद फिर वापस लाइव आऊंगी शाम तक एक बार। अब देख सकते हो मैं उमरगाम पहुंच गई हूँ। ये उमरगाम स्टेशन है। अब यहाँ से मुझे 5 मिनट लगेगा घर पे पहुँचने में, चल के ही जाऊँगी। नई ट्रेन की पटरी बनने वाली है, उसी का काम चालू है और इसी ट्रेन में मैं जस्ट अभी आई। और ये ट्रेन जा रही है अब विरार, फिर विरार को 5:10 पे निकलेगी वहाँ से। लोग देख सकते हो यहाँ पे ना उमरगाम साइड वापिस साइड बहुत ज़्यादा गर्मी है। जब मैं कानपुर से निकली थी तो स्वेटर और जैकेट वैकेट पहन के, आप देख सकते हो स्वेटर सब, जैकेट मेरे हाथ में ही है, तो जैकेट वैकेट सब मैं पहन के निकली थी। और यहाँ पे जैसे ही पहुँची सूरत के पास, वडोदरा के आसपास पहुँची, तो वडोदरा पहुँचते ही एकदम अफनाहट सी होने लगी और एकदम गर्मी होने लगा। और वहाँ पे हवा भी जो चल रही थी ऐसा लगा था कि लू बह रहा है गरम गरम, तो मुझे ये सा स्कार्फ बांधना पड़ा। मुँह पे आप लोग देख सकते हो स्कार्फ बांध के जा रही हूँ, इतना ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हो। मैं मेरे घर पहुँच गई, अब बस 2 मिनट लगेगा घर पे पहुँचने के लिए। घर पे पहुँच के फ्रेश हो के फिर वापस मैं लाइव आ जाऊंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक में मुझे घर क्यों जाना पड़ा, तो कुछ काम था, जरूरी काम था, जिसकी वजह से मुझे घर जाना पड़ा, आना पड़ा। और 2-4 दिन का काम है, निपटाऊंगी। कुछ घर का जरूरी काम था तो निपटा के फिर वापस निकल जाऊंगी। फिर बहन मेरी भी वहाँ पे ही है, दरबार में ही है, फिर बहन को लेके वापस आ जाऊंगी। ठीक है, शिवरात्रि वहाँ पे बिताऊंगी। चलो मैं घर पे पहुँच गई। मेरे घर पे मैं पहुंच गई, अब जाऊंगी, बैग रखूंगी, फटाफट ब्रश व्रश करके फ्रेश होंगी, होने के बाद फिर आप लोगों से बात करूंगी मैं। ये रहा मेरा घर, कोई लगता है नहीं घर पे,
सब बंद बंद किया हो गया है। मम्मी मम्मी और बहन तो बहन अपने काम से गई होगी पार्लर के काम से, भाई स्कूल गया होगा और मम्मी जो है पापा को खाना लेके गई होगी। तेरे बिना है गॉड, ताला भी लॉक है, अब मुझे मम्मी को फोन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं घर पहुंच गई और घर पहुंच के रेडी भी हो गई, रेडी हो गई, खाना पीना खा के फ्रेश हो गई। अब जाऊंगी मार्केट में, थोड़ा काम है मुझे और एक दो लोगों से मिलना भी है अर्जेंटली, उनसे मिलूंगी। ठीक है, अभी जाऊंगी मार्केट मिलने के लिए, फिर मम्मी से मिलना है और अच्छी रही मेरी जर्नी। इस बार भी मैं चारों डिब्बे में आई क्योंकि समय भी नहीं था, मुझे फास्ट जल्दी निकलना था, वेट भी नहीं कर सकती, तो फटाफट चारों डिब्बे में ही आई। और लेकिन हाँ, आराम से आई, सो के आई, सीट वीट सब मुझे अच्छे से मिल गई बाबा की कृपा से और अच्छा रहा मेरा सफ़र। और अब मैं फाइनली घर पे पहुंच गई। तो एक बार प्यार से बोलिए करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय। आज मैं बहुत शांत लग रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि ट्रैवलिंग की हूँ ना, थोड़ी थकी हूँ और रात को भी सो नहीं पाती, ट्रेन में नींद आती नहीं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा थकान जैसा लगा हुआ है। और एक चीज़ और आपको दिखाऊंगी, ये जो चप्पल आप देख रहे हो ना, ये ध्यान से देखिए, ये मैंने पूजनीय गुरुदेव जी से मैंने मांगा है। वो चप्पल पहनते थे तो मैंने, मतलब मेरी इच्छा थी कि उनका चप्पल मैं ले लूं, तो उनसे मैंने चप्पल मांग लिया। अच्छा लग रहा है, उसको साफ वुफ करके अच्छे से रख दूंगी, भगवान का कुछ चीज़ मुझे मिला हुआ है। चलो ठीक है, बाय।